हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह क्वेश्चन जो हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे, यह कई यूनिवर्सिटीज़ में कई बार रिपीट किए जाते हैं, तो इससे उम्मीद बनता है कि हो सके तो आपके एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप के क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप तो यही रहेगा, आपके एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने हैं, तो जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इसी तरह से मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे, एक बार आप टाइप देख लीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन करिए। तो कुछ पहला क्वेश्चन जो है इसका हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम को ना लेते हुए, टाइम हमारे हम लोगों के पास काफी कम है इसलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि फिनाल इज यूज्ड। तो फिर देखिए फिनाल जब हम चैप्टर आपको बताए थे तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इन एंटीसेप्टिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन इट डेवलप्स। ये थोड़ा एक आउटर क्वेश्चन है, इसका आंसर है वायलेट कलर। यह कौन सा कलर देता है, वायलेट कलर देता है। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज ऑफ। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो फिनॉल होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। फिनॉल का फॉर्मूला, यहाँ से आप हाइड्रोजन को निकाल देंगे, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो यह कौन सा इफेक्ट करेगा, किसके कारण यह एसिडिक शो करता है। एच प्लस आयन देना यह कैरेक्टर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को शो करना है। ठीक है, जैसे ही यह निकलेगा तो रेजोनेंस शो करेगा, तो यहाँ पे किसके कारण होता है, यह ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, आप देख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से देखिए विच इज हाइड्रोक्विनोन, आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हाइड्रोक्विनोन कौन सा होगा, तो आपको पता है कि जो क्विनोन होता है, क्विनोन का फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा, क्विनोन का फार्मूला इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दें सबको और एक एक एच लगा दें, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड कर दें, तो क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोक्विनोन। केवल हाइड्रोजन को जोड़ दें दोनों जगह पे तो वो वहां बन जाता है हाइड्रोक्विनोन, इसको कहते हैं क्विनोन। और हम इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, यह वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, यह आपका क्या है, हाइड्रोक्विनोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। देखिए जनरल फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज। सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका OH ग्रुप होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका OH ग्रुप है, वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस, वह आपका कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होने चाहिए, दो एल्किल ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, यानी कि वह उसके पास दो एल्किल ग्रुप होने चाहिए R1 और R2। जैसे मान लीजिए CH3 है आपका, CH2 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो कार्बन से जुड़े होने चाहिए। कौन सा कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो इसलिए आपका इसमें आंसर देखिए 5th में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो OH है आपका, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अगले दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है, बी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ग्लिसरॉल इज ए। ग्लिसरॉल, अब देखिए आपका यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, क्योंकि ग्लाइकॉल है, जो ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि CH2 CH2, यहाँ पे OH लगा होगा, यहाँ पे OH लगा होगा, इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। देखिए इसमें कितने अल्कोहल हैं, नंबर ऑफ अल्कोहल 2 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं 7, कह रहा है कि पिक्रिक एसिड कौन सा है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो ये आपका अल्कोहल होता है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। केरासोल इज ए हाइड्रोक्सी टॉल्विन होता है, ठीक है, उसमें OH ग्रुप होगा, ठीक है, और CH3 होता है, तो टॉल्विन केरासोल का भी आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नोट्स में मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1st ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर टू गिव, क्या बनाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, N2+Cl-, और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग होता है। तो जब इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, वार्म वाटर के साथ कराते हैं, वार्म वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, कितने मोल है, 2 मोल, और इसका रिएक्शन आप बेस के साथ करा रहे हैं, एल्कली के साथ करा रहे हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड यहाँ पे कंसेंट्रेटेड क्या होगा, छूट गया है लगता है क्वेश्चन में, कंसेंट्रेटेड क्या होता है, यहाँ पे आप कंसेंट्रेटेड कोई एसिड ले सकते हैं, ठीक है, कोई एसिड है तो क्या देता है आपको, अल्कोहल दे रहा है और उसका सोडियम साल्ट दे रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा होता है आपका, कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। विच गिव्स द रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन द फॉलोइंग, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वे रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखिए जो भी कंपाउंड दिए गए हैं, यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की हम बात ही नहीं करेंगे। इस वाले में आइए तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और यह एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे कि यह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप समझ सकते हैं आंसर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। ईथर कह रहा है, ईथर क्या है आपका, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेस है, नन ऑफ दिस। तो ईथर आपका ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसलिए यह कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला, कौन सा है, न्यूट्रल है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे, कह रहा है 3 नंबर साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड, 3 नंबर साइक्लिक ईथर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइरेन कहते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। एक्टिव आयंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, एक्टिव आयंस जो होते हैं टॉलेंस रिएजेंट में वह Ag प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए C6H5 लिखा है, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड है, और ये आपका कंपाउंड, यदि इसको हम सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, सिनामिक एसिड। यह रिएक्शन आपको डायरेक्ट कराया गया है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रिएक्शन गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में गिवन है कि C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग है, CH2 और Cl है, इसका रिएक्शन आप अक्वस NaOH के साथ करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट A बनेगा, और A का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट B बनेगा। तो पूछा जा रहा है कि B क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले तो जैसे ही NaOH से आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaCl आपका बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर होगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना आपका C6H5CH2OH बना, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यह OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C6H5CHO, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, CHO। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख लीजिए इस कंपाउंड का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी नहीं करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, क्योंकि आप क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। यहाँ पे अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा C6H5COOH। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गिव कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन वे शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अब्सेंट हो। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, इसमें सॉरी ऑप्शन नंबर ये आपका सी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन कीटोन का किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए कीटोन जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है, R मान लीजिए कोई एल्की ग्रुप है, जैसे CH3 मान लीजिए और इसको आप C2H5 मान लीजिए, तो यह इसका आप जब क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो जो कीटोन ग्रुप होता है C double bond O, वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका
रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जो रिएक्शन है देखिए, गैटरमैन कोच का रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जब बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे याद करिए बेंजल्डिहाइड मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि आपके पास क्या है, टालविन है और इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, तो हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। विच इज लोएस्ट रिएक्टिव, तो आप हमेशा याद रखिएगा लोएस्ट रिएक्टिव कौन सा है आपका, बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि इन पूरे एल्डिहाइड में जो बेंजल्डिहाइड होता है यह मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए आपका बेंजल्डिहाइड क्या होगा, लोएस्ट रिएक्टिव होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन विथ क्रोमिल क्लोराइड गिव्स बेंजल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज। अब देखिए टालविन जो आपका होता है इस तरीके से होता है, और टालविन का जब आप क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए अभी भी हमने ऊपर कराया था, ये गिवन है, यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक कौन होगा, वह होगा आपका बेंजील एमीन। ठीक है, बेंजील एमीन आपका यहाँ पे मोस्ट बेसिक होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा CH2 और यहाँ पे होगा NH2। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होता है इसलिए मोस्ट बेसिक होगा, बीच में CH2 ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, इसमें लिस्ट बेसिक कौन होगा, यहाँ पे देख लीजिए सी ऑप्शन आपका लिस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो यह जो लोन पेयर है यह आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आसानी से जब डोनेट नहीं करेगा तो ये लिस्ट बेसिक हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन, तो आपको पता है कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो उसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, तीन नाइट्रो ग्रुप होते हैं, फिनॉल होता है, OH ग्रुप होते हैं 2,4,6। ठीक है, इन TNT का मतलब क्या होता है, आपको पता है ट्राई नाइट्रो टालविन, कितने इसमें नाइट्रो ग्रुप होते हैं, तो तीन नाइट्रो ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज एक्सप्लोजिव, तो इसमें आपका एक्सप्लोजिव कौन होता है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन होता है। कार्बोहाइड्रेट अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन शुरुआत में ही आपको लिखाया गया था कि यह क्या देता है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन देता है, तो ओनली एल्डिहाइड ओनली कीटोन, नो, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केन शुगर क्या होता है, मोनोसैकेराइड बाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड। केन शुगर को देखिए हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं, और आपको पता है सुक्रोज को जब हम लोग जो सुक्रोज होता है यदि उसको आप हाइड्रोलिसिस करें तो दो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज, आप देख सकते हैं नोट्स में, तो वहां पे ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, या कौन सा है आपका, बाइसैकेराइड है, यानी कि दो प्रोडक्ट देगा, एक ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए सेंटर में जब आप जाएं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल वहां पे घबराना नहीं है, पहले तो 5 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ें, 10 मिनट पढ़िए, सॉरी 5 मिनट पढ़िए, और उसके बाद चलिए स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।